दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 2020 के लिए जो बच्चा नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उससे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सीएलसी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये रिजल्ट सीएलसी के किस प्रोसेस से बनता है, ये वो कौन से प्लस पॉइंट है सीएलसी के पास जो सीकर जैसे छोटे से शहर को हिंदुस्तान के मैप पे लाने का प्रयास आपके अपने सीएलसी ने शुरू किया था, तो कुछ हद तक उस प्रयास में सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, लास्ट ईयर नीट में पहले 2000 में सीएलसी ने 38 स्टूडेंट दिए हैं, जिसमें 35 बच्चा हमारी क्लासरूम का है, 3 बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज से है यानी डीएलपी से है। राउंड फिगर में कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के पहले 2000 में नीट में हर 50वां लड़का सीएलसी का है, और उस 50वें लड़के सीएलसी में बड़ी क्वालिटी ये है, 38 की संख्या जितनी बड़ी खुशी मुझे देती है उससे बड़ी खुशी मुझे देती है कि उसमें 16 बच्चा फ्रेशर है, यानी जिसने 12वीं के बाद मात्र एक ड्रॉप किया, और उससे बड़ी बात है इनमें 6 बच्चा 12वीं के साथ है, 6 12वीं के साथ 16 फ्रेशर को मेंटेन करते हुए 38 बच्चा हिंदुस्तान के पहले 2000 की संख्या में सीएलसी स्टैंड करा पाया। इसी तरह आईआईटी की बात करूं दोस्तों, तो आईआईटी में सीएलसी ने 12th के साथ 351 रैंक दिया, जो एक अच्छी रैंक ही है। 351 रैंक हमारे नमन जैन की रही, 1320 रैंक है, 1488 रैंक है, 1723 रैंक है। 2000 में यहाँ भी आपकी सीएलसी 4 बच्चों को दे पाई, जिनमें 2 बच्चा हमारी 12th के साथ है, 2 बच्चा एक ड्रॉप करके फ्रेशर है, बड़े चारों बच्चा सीएलसी फाउंडेशन से है। निश्चित रूप से सीएलसी के नीट और जेई दोनों के रिजल्ट पिछले 2 से 3 साल से पैरेलल आ रहे हैं। जब से साहिल ने आईटी विंग को सेपरेट संभाला है तब से नीट और आईटी दोनों अपना प्रॉपर काम कर रही हैं एक अच्छे रिजल्ट के साथ। अब बात आती है कि ये पिछले 2-3 साल में जो रिजल्ट सीएलसी के इंप्रूव हुए हैं इसके पीछे ऐसा क्या लॉजिक रहा, ऐसा क्या कारण रहा, मैं वो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों आप इस समय रिपीटर है मेडिकल के, या के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आप 12th के साथ हैं, ऐसे आईटी में आप टारगेट कोर्स के बच्चे हैं, आप जेई मेन के अपने रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए 10 नवंबर से मिड सेशन डीटीएस के नाम पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, वो चाहे मेडिकल हो चाहे आईटी हो। 10 नवंबर से लेके जनवरी तक हम आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करा देंगे। उसके बाद मेडिकल की बात विशेष करूं तो 13 फरवरी से हमारा एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो फेमस है बायोकेम डीटीएस के नाम से वो लॉन्च करते हैं, जो पूरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री को रिवाइज कराती है, जो हमारी चलती है 8 मार्च तक। उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट 20 मार्च के आसपास हमारी मेजर टेस्ट सीरीज जिसको हम डायमंड टेस्ट सीरीज कहते हैं जो चलेगी आपकी 2 मई तक। ऐसे आईटी की बात करें तो फर्स्ट फेज आपका जनवरी में है, उसके पहले आपका रिविजन है, सेकेंड फेज आपका अप्रैल में है, उसमें आपका रिविजन है, उसके बाद 17 मई को आपका एडवांस है, उसके बाद रिविजन है, यानी नीट हो या एडवांस हो अब से लेके एग्जाम तक आपकी अपनी सीएलसी टेस्टों के माध्यम से 3 से 4 बार परफेक्टली आपका रिवाइज करा देगी, जो इस काम ने सीएलसी के रिजल्ट में संख्यात्मक रूप से और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेस पे एक अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं मेरे कुछ बच्चों के नाम कोट करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमारे जगदीश और आर्यन ने इक्वल स्कोर करके 676 नंबर का स्कोर करके नीट को 130 और 141 रैंक दिया, और दोनों बच्चे फ्रेशर थे, दोनों बच्चे हमारे फाउंडेशन से थे। इसी तरह उज्जवल शर्मा जो बच्चा कोटपुतली से आया, स्कूलिंग करके आया, उसने एम्स में 244 रैंक देके सीएलसी को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इसी तरह 12वीं के साथ हमारे 6 बच्चे जो पहले 2000 में आए उनके नाम भी कोट करना चाहूंगा, बेनीवाल विजेता अरविंद कड़वासरा, संगम सोनम, प्रहलाद चौधरी और अनुराग कुशवा, ये वो लड़के हैं जिन्होंने 12वीं के साथ हिंदुस्तान की नीट में पहले 2000 अपनी जगह बनाई है। और फ्रेशर्स की लाइन लगी हुई है, जगदीश फ्रेशर, आर्यन फ्रेशर, उज्ज्वल शर्मा फ्रेशर, वीरेंद्र सिंह फ्रेशर, राधिका सोमानी फ्रेशर, अखिल शर्मा फ्रेशर, उसके बाद दोस्तों कृष्ण गोपाल फ्रेशर, ज्योति अग्रवाल फ्रेशर, अश्विनी यादव फ्रेशर, अंतिम रानी फ्रेशर, संदीप स्वामी फ्रेशर, दोस्तों योगेश पटेल फ्रेशर, अनुराग कुशवाहा फ्रेशर, रोबीना फ्रेशर, मोहम्मद वसीम फ्रेशर, संजय अनवा फ्रेशर, ये सब बच्चे फ्रेशर में इन्होंने रैंक बनाई 2000 में। दूसरा हमारी डीएलपी हमारी टेस्ट सीरीज क्वालिटी बताना चाहता हूं, हमारा एक यूपी का बच्चा
साकिर खान आजमगढ़ का बच्चा था जिसने कोटा नवारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और अब की रैंक आई 1279 रैंक के साथ आप एक अच्छी कॉलेज आप अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही सुनील शर्मा नाम का जयपुर ब्रांच पे हमारा बच्चा टेस्ट सीरीज का था, आपकी रैंक 327 थी। ऐसे गोपीचंद वर्मा नाम का बच्चा हाथरस यूपी का बच्चा था जिसकी रैंक 1866 है। 38 बच्चों में 3 बच्चा डीएलपी से, 35 बच्चा क्लासरूम से, उन 35 क्लासरूम के बच्चों में से 16 बच्चा फ्रेशर, 6 बच्चा 12वीं के साथ। मेरी इस बात का एक सिंपल सा सार निकलता है कि आपकी अपनी सीएलसी 2016 से, जब से एमडी के रूप में नरेश चौधरी और सीईओ के रूप में साहिल सर मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक पूरी टीम जो बनी है, एक परफेक्ट टीम जो बनी है, अपडेट स्टडी मटेरियल जो बना है, हमारी बायोकेम की टेस्टरी लॉन्च हुई है, उन सब की बदौलत पिछले 3 साल में संस्था ने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत अच्छी प्रगति की है, जिसको लेके हमें लगता है कि हम गार्जियंस के बच्चों के सपनों को साकार करने में हमारा भरसक प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। मैं लास्ट में जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा, आप चाहे किसी कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप 10 नवंबर से ये सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर हमारी ब्रांचेज हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप देश के किसी कोने में बैठे हैं तो दोस्तों आप इस एग्जाम टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके हमारे टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, शेड्यूल पूरा देखना हो, तो clcparivar.in की हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी हेल्पलाइन है 9414036555, वहां जाके आप बात कर सकते हैं। और आप हमारे किसी भी स्टडी सेंटर के आसपास रहते हैं या कोटा टेस के आपका मकान या आप वहां कोटा रहते हैं तो आप सेंटर पे जाके व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि संस्था एक अच्छा यज्ञ करने जा रही है, आप भी इसमें अपनी ईमानदारी की मेहनत की आहुति देके अपने परिवार का नाम, अपने संस्था का नाम, खुद का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं इस साल भी सीएलसी लास्ट ईयर से बेटर प्रश्नों के साथ, बेटर क्वालिटी के साथ आपको टेस्ट देगी, जिसके लिए सीएलसी कटिबद्ध है, जिसके लिए सीएलसी का खुद से कमिटमेंट है कि हमें बच्चे के साथ बेस्ट करना है। और दोस्तों शायद यही कुछ रहा होगा कि सीकर आज हिंदुस्तान के नक्शे पे आ रहा है जिसमें सीएलसी की बड़ी आहुति है। दोस्तों आपको एक बार फिर से एग्जाम की शुभकामनाएं, मेरे वाहेगुरु से प्रार्थना है आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपना बेस्ट करें, श्रेष्ठ करें, ईश्वर आपको आपकी मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट दें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय सीएलसी।